हेलो फ्रेंड्स दोस्तों, हम लोग चल रहे हैं। ये रास्ता देखिए, बहुत गड़बड़ सा रोड है। बरसात होने की वजह से चारों तरफ पानी भरा हुआ है। हम लोग मदनपुर का एक जंगल में स्थित देवी का स्थान है, जो बहुत ही खूबसूरत सा जगह है, लेकिन रास्ता बहुत गड़बड़ हो रहा है। हम लोग धीरे धीरे निकल रहे हैं इसी रास्ते से। दोस्तों, मेन गेट है जो हम लोग दिखा रहे हैं। इस रास्ते में लोग आगे चल रहे हैं और अंदर चल के हम लोग दिखाएंगे। यहाँ भारी मात्रा में श्रद्धालुओं का भीड़ लगा हुआ है। ये रास्ता है जो अंदर जाता हुआ हम लोग दिखा रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये गाड़ियाँ लगी हुई हैं, भारी मात्रा में भीड़ है और बहुत सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। ये हमेशा इसी प्रकार का भीड़ यहाँ पे लगा रहता है। और यहाँ जंगल में दुकानें भी लगी हुई हैं और बहुत बड़ा मंदिर परिसर है, उसे चल के आगे हम दिखा रहे हैं। तो चैनल पर बना जाए, अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। और हम लोग आगे खूबसूरत सा नज़ारा दिखाएंगे और देवी का दर्शन भी कराएंगे। बहुत ही सुंदर और प्राकृतिक क्षेत्रों में बसा हुआ है मंदिर है। यहाँ का किदंती है कि यहाँ पे बहुत पुराने समय से यहाँ पे देवी का स्थान था और दुकानें भी देखिए दोस्तों, यहाँ पे चारों तरफ लगा हुआ है, इसे दिखाया जा रहा है। यहाँ पे कई तरह का व्यवस्था है और हर तरह के दुकानें लगी हुई हैं। हम लोग आगे चल रहे हैं और हम भी जुड़े बने रहें। एक देवी का स्थान है जो यूपी, बिहार और नेपाल के श्रद्धालुओं का आस्था का केंद्र है। यहाँ हमेशा श्रद्धालुओं का भीड़ लगा रहता है। बहुत ही प्रचलित मंदिर है। यहाँ का मान्यता है कि यहाँ पे जो सच्चे मन से अपनी मुरादों मांगता है उसकी मुरादें पूरी होती हैं। यहाँ पे हमेशा लोगों का भीड़ लगा रहता है और ये जंगल में बहुत ही आकर्षक दृश्य है। यहाँ के बारे में हम लोग आगे चल के दिखाएंगे दोस्तों। हम लोग गाड़ी से निकलना है, यूपी और बिहार से सटा हुआ जगह है। मेन गेट के बगल में स्थित एक जगह है और इधर है जो जूम करके हम लोग दिखा रहे हैं, ये मेन गेट है। और इस साइड में दोस्तों ये सब दुकानें लगी हुई हैं और यहाँ पे भारी मात्रा में लोग आए हुए हैं। घुमा के हम लोग दिखा रहे हैं नदी से इसे, और मंदिरों में फूल है जो रखा गया चढ़ाने के लिए। पूजा पाठ का काम भी चालू है दोस्तों। ये मेन द्वार जो अंदर हम लोग जाते हैं इसी रास्ते से, बहुत ही खूबसूरत दृश्य है। और मंदिर में स्थित इसे दिखाया जा रहा है। इधर देखिए दोस्तों, हम लोग मंदिरों पर इकट्ठे रहते हैं। कबूतर हैं जो जंगली कबूतर हैं, हमेशा यहाँ पे रहते हैं। और इस साइड में यही नज़ारा है, इसे दिखाया जा रहा है।
गेटों के पास भव्य शेरों की मूर्ति है। इसी के रास्ते हम लोग छठे हुए अंदर चल रहे हैं और गेट का सीन दिखाया जा रहा है नज़दीक से। एक घंटियाँ लगी हुई और इस साइड में जाने का रास्ता है। हम लोग अंदर चल के उसको दिखाएंगे नज़दीक से और उसके बारे में बताएंगे भी दोस्तों। और जब चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी प्रकार का हम लोग हमेशा वीडियो आपको दिखाते रहते हैं, उसके बारे में बताया जाता है। तो बहुत प्रसिद्ध मंदिर है जो बहुत पुराने समय से यहाँ पे आवागमन रहता है और श्रद्धालु जन चारों तरफ से आते रहते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा यहाँ का सीन है। देवी माँ का यही दृश्य जो हम दिखा रहे हैं। जूम करके दिखा रहे हैं नजदीक से। बहुत पुराना स्थित मंदिर है। जंगलों के बीच होने की वजह से यहाँ की खूबसूरती और ही बढ़ जाती है और यहाँ पे बहुत भारी मात्रा में श्रद्धालु आते रहते हैं और अपने मंत्रों को मानते हैं। देखिए दोस्तों इधर हम लोग आ चुके हैं और चारों तरफ घंटियाँ बढ़ी हुई हैं। उनकी मुरादें पूरी हो जाती हैं। मान्यता है कि वो लोग आके अपनी मान्यता पूरी होने के बाद यहाँ पे घंटियों को बांधते हैं। चारों तरफ से लोग आए हुए हैं। यही सीन है। बहुत ही खूबसूरत सा दृश्य है और इसके पीछे हम कुछ मंदिर दूर